गुजरात में 13 दिसंबर और 17 दिसंबर को दो चरणों में वोटिंग होनी है और 20 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे या कोई और भी संभावना बन रही है। लेकिन इन सब से अलग, जब तक वहां पर चुनाव प्रचार चल रहे हैं तब तक वहां पर आरोपों और प्रत्यारोपों का एक सिलसिला चल रहा है, बहुत रोचक सिलसिला है। इसी बारे में प्रस्तुत है हमारी यह रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत अर्जित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां वहां के वोटरों से बड़े बड़े वायदे करती नजर आ रही है। जनता को सस्ते घर का सपना दिखा रही है। खबरों के अनुसार कांग्रेस ने तो बकायदा घर का सैंपल भी तैयार करवा लिया है, लेकिन सस्ते घर का वायदा आखिर कैसे पूरा होगा? चुनाव प्रचार के लिए नवसारी के वासंदा इलाके में पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। गुजरात जैसे समृद्ध राज्य में 41% महिलाएं कुपोषण का शिकार, तो 55% महिलाएं अनीमा से परेशान। गुजरात में आज की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था कमजोर। सोनिया के भाषण से झलकता है कि वो 2007 की गलतियों से सबक ले चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण में हमला मोदी के हिंदुत्व पर नहीं बल्कि उनकी हुकूमत पर होता है। कांग्रेस की रणनीति साफ है, मोदी पर निजी हमले से बचने की। कांग्रेस जानती है मोदी को भावनात्मक मुद्दे भुनाने में महारत हासिल है। एक बार मोदी को कोई ऐसा मुद्दा हाथ लग गया तो पहले से चुनाव में पिछड़ी कांग्रेस के हाथों से गुजरात का चुनाव फिसलते देर नहीं लगेगी। बहरहाल गुजरात में सत्ता के लिए अल्पसंख्यकों के अलावा आदिवासियों को खास तौर पर लुभाने की कोशिश जारी है। गुजरात की धरती में आकर के महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे सरदार पटेल जैसे महान पुरुष को याद दिलाते हुए बातें शुरू करने से पहले हम उन सब घोटाले के बारे में, महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री के क्या सोच है ये सुनना चाह रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में एक भी जवाब नहीं दिए। गुजरात में विधानसभा चुनाव के तहत 13 दिसंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है, क्योंकि पार्टियों के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कल का दिन आखिरी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी निकट दिनों में दर्जनों चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक साथ 53 स्थानों पर रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह लोगों को संबोधित करने के लिए राज्य में 6 चुनावी रैलियों में भी उपस्थित रहेंगे। गुजरात के चुनाव में लगभग सारे दलों के नेताओं ने अपने संसदीय मर्यादाओं को ताक पर रख भाषणबाजी की और जनता को सब्ज बाग दिखाए। अगर देखा जाए तो देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां आमने सामने चुनाव के लिए कमर कस के तैयार है। चुनाव ने सर्दी के इस कपकपाते मौसम में भी देश के कद्दावर नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। सारी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में अपने अपने तरीकों से अपनी जीत का दावा कर रही हैं और आम जनता इनके चुनावी वादों से दूर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस मोदी को इस चुनाव में हैट्रिक लगाने से रोक पाएगी या फिर मोदी का विजय रथ सबको रौंदता हुआ राजनीति का एक स्वर्णिम इतिहास फिर से लिख देगा। सुदर्शन न्यूज के लिए अरविंद प्रताप की रिपोर्ट। बहुत कुछ स्टेक पर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उसका अस्तित्व ही कांग्रेस का वहां पर खत्म बताया जा रहा है और ये कह रही है बीजेपी। लेकिन मनमोहन सिंह ने कुछ बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, उनके लिए वातावरण अच्छा नहीं है और महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं, दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, कुछ बेहद ही गंभीर आरोप। भरत भाई पटेल, बीजेपी नेता, गुजरात से इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं, यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एच के सिंह, दीपक गौड़, डॉक्टर एच के सिंह राजनीतिक विश्लेषक और इसके अलावा दीपक गौड़ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भरत भाई पटेल से। स्वागत आपका भरत भाई इस चर्चा में, जिसमें हम गुजरात के चुनाव पर बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों पर जो उन्होंने सीधा गुजरात की बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया है। इस आरोप का कि वहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं और
सुरक्षा का वातावरण नहीं है वहां पर, सिर्फ कुछ ही इलाकों में विकास है, इंटीरियर्स में नहीं है, इस पर आपका जवाब क्या है? हेलो जी, सॉरी आपका आवाज प्रश्न बराबर नहीं मिला मेरा। भरत भाई पटेल, मेरा प्रश्न बहुत सीधा और सरल था। प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा वातावरण नहीं है वहां पे, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो या फिर आम अल्पसंख्यक हो, आम नागरिक है गुजरात का, और महिलाएं वहां पर कुपोषण की शिकार हैं, इस पर आपका जवाब क्या है? नहीं, देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे गुजरात के अंदर जब तक भाजपा सरकार ने सत्ता दिया है जी, तब से एक भी दंगा फसाद कुछ भी नहीं हुआ है जी। तो अल्पसंख्यक यहाँ एकदम निश्चिंत रह रहे हैं, आज बहुत सारे अल्पसंख्यक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2002 के दंगों के बारे में वो आपकी सरकार थी तब, अगर आपको याद हो तो। नहीं, वो एक कोइंसिडेंस था जी, वो एक कोइंसिडेंस था, लेकिन उसके अलावा उसके बाद में देखिए आप कहीं भी कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में बहुत सारे अल्पसंख्यक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, दिन ब दिन उन लोगों का समर्थन। एक भी अल्पसंख्यक को आपने टिकट नहीं दिया है? नहीं, देखिए ये पार्टी का है, और ये जहाँ तक है वो लोग ने मतलब कहाँ पर कहाँ कहाँ दावेदारी की है, क्या नहीं की है, वो हिसाब से सब टिकट गिन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक को नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है जी। संगठन में भी वो लोग आज बहुत सारे जुड़ रहे हैं। जैसे अगर वापी की बात देखेंगे तो वापी के अंदर आज हमारे 4 कॉर्पोरेटर अल्पसंख्यक से जुड़े हुए जी। तो आप चार में से दो नगर सेवक जो है वो तो एकदम नवयुवान है जी। नहीं, हम अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी बात सही हो सकती है कि इस बीच में बहुत सारे अल्पसंख्यक लोग आपसे जुड़े हैं, लेकिन भरत भाई जो अभी की वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान में चुनाव की पोजीशन में, मैं सिर्फ उस पर टिप्पणी कर रहा हूं, और वो ये है कि आपने एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए मैंने बताया कि वो पार्टी के ऊपर जाता है, वो क्या उसका आधार क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक को नहीं दिया या उसको इग्नोर करने का, ऐसा कोई ये नहीं है, उसका हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, हम सब साथ में लेकर काम कर रहे हैं जी। आप कन्विंस्ड हैं कि इस बार आप पहले से ज्यादा सीटें ला रहे हैं? Sorry? आप बिल्कुल विश्वस्त हैं कि इस बार 2012 में आप 2007 से ज्यादा सीटें ला रहे हैं? जी, कितनी कितनी ज्यादा सीटें ला रहे हैं आप, और कितना वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है इस बार? हम ज्यादा लेंगे, वो तो पक्का है जी। बहुत धन्यवाद आपका भरत भाई पटेल हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए। डॉक्टर एच के सिंह, आपने इनकी बात सुनी, क्या कहना है आपका? देखिए, जहां तक मोदी साहब का वहां करिश्मा है जी, तो ये बात तो जाहिर सी है, जाहिर सी लग रही है, और सारे लोग बता भी